हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ रिलेटेड टू दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में से हम लोग व्हाट इज़ स्ट्राइक और टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, स्ट्राइक इज़ अ कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, often organized by a labor union or worker association to stop working in protest against their employer's policies, working conditions or other labor related issues. तो यहाँ पे स्ट्राइक जो होता है वो कलेक्टिव एक्शंस टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ये कलेक्टिव एक्शन होता है और वो एक्शन जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स ने लिया होता है। ये कई बार किया जाता है लेबर्स यूनियन के द्वारा या वर्कर एसोसिएशन के द्वारा, ताकि टू स्टॉप वर्किंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयज पॉलिसीज। तो ये वर्क जो होता है वो स्टॉप कर दिया जाता है, जो भी वर्कर से वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर से रिलेटेड पॉलिसीज होती है, वर्किंग कंडीशन होते हैं या अदर लेबर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सॉर्टेड जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके वजह से ये स्ट्राइक पे जाते हैं। तो स्ट्राइक का यहाँ पे अनादर एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्राइक्स आर अ वे फॉर एम्प्लॉयज टू एक्सरसाइज प्रेशर ऑन देयर एम्प्लॉयर्स टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, निगोशिएशन बेटर टर्म्स एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। तो ये इस प्रकार का प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके बीच में ये उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ताकि वो एड्रेस कर सके उनके जो भी ग्रीवियंसेस हैं, निगोशिएशन बेटर टर्म्स हैं, इम्प्रूवमेंट वर्किंग कंडीशन है, उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, इसके वजह से वो लोग स्ट्राइक करते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक की जो लीगल डेफिनेशन है वो हम लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में यहाँ पे दी गई है स्ट्राइक की डेफिनेशन। स्ट्राइक इज अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और अ कंसर्टेड रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो है सेसेशन ऑफ वर्क इज नथिंग बट स्टॉप टू वर्क, और ये बॉडी ऑफ पर्सन मतलब नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में, वो कॉम्बिनेशन या कंसर्टेड रिफ्यूजल, उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि आज हम लोगों ने काम नहीं करना है, जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, और वो पर्सन यहाँ पे हु आर मतलब जो एम्प्लॉयड यहाँ पे है, या हु हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पे पहले एम्प्लॉयमेंट रह चुका है या अभी वो एम्प्लॉयड है, तो ये दोनों भी पर्सन यहाँ मतलब ये पर्सन यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। देन इसेंशियल्स ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक करने के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे देयर शुड बी अ सेसेशन ऑफ वर्क, मतलब वर्क स्टॉप कर देना चाहिए। देन सेसेशन ऑफ वर्क शुड बी बाय अ बॉडी और ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इसेंशियल्स मैंडेटरी क्राइटेरिया है। द बॉडी ऑफ पर्सन सेशन टू वर्क शुड बी एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, वो काम पे वहाँ पे होना चाहिए। द बॉडी ऑफ पर्सन सेशन टू वर्क मस्ट बी एक्टिंग कॉम्बिनेशन, उनका एक्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन होना चाहिए उस वर्क के रिलेटेड। द पर्सन रिफ्यूजिंग शुड बी दोज हु आर और हैव बीन एम्प्लॉयड, वो काम कर रहे थे यहाँ पे या वो करते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। देयर मस्ट बी अ कंसर्टेड रिफ्यूजल और रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय सच अ बॉडी ऑफ पर्सन, जो भी उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या द बॉडी ऑफ पर्सन से उनके अंदर में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोगों ने आज स्ट्राइक करना है, तो उनकी सारे लोगों की कंसेंट या सारे लोगों उस विषय पे एग्री होना चाहिए। ना हम एक केस लॉ देख सकते हैं, इसमें लिखा है नॉर्थब्रुक जूटे कंपनी लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन वर्कर्स आर नॉट बाउंड टू डू दैट वर्क डज नॉट अमाउंट टू स्ट्राइक डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे रिफ्यूजल इज कंसल्टेड कॉमन अंडरस्टैंडिंग।
अगर उन्होंने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा भी यहाँ पे सपोज वो कुछ काम बंद किया है या उनको काम नहीं करना है तो स्ट्राइक, ये अमाउंट मतलब स्ट्राइक नहीं माना जाएगा। वो किसी भी रीज़न के लाइक सपोज उनको काम नहीं करना है तो वो एक दिन के लिए छुट, मतलब लाइक दे कॉमनली अंडरस्टैंड करके कह सकते हैं कि आज हम लोगों को काम नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने स्ट्राइक किया है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द स्ट्राइक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि वॉट आर द काइंड्स या वॉट आर द टाइप्स अवेलेबल फॉर द स्ट्राइक। थैंक यू।